हाय दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त विवेक पाटिल। अनएजुकेटेड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले साल 2020 में कनान नदी को आए हुए पुल में कई जनों के घर डूब गए। यही ऐसे ही घर कनान के पिपरी गांव में भी डूब गए थे, जिसको मद्देनजर रखते हुए इस साल नालों की सफाई करने के निवेदन दिए गए। और ऐसे निवेदन को देखते हुए कनान में भी नालों की सफाई की गई, परंतु नाले की सफाई आधी अधूरी होने से इस साल भी पिछले साल की तरह नदी का पानी पिपरी गांव बस्ती में घुसने की पूरी पूरी संभावना है। ये जो जगह आप देख रहे हैं, इसी जगह से कनान और कानरी का पानी बहकर निकलने वाला है, परंतु यह जगह अब छोटी सी हो चुकी है WCL के डंपिंग के कारण। और कुछ दिन पहले जो नाले की खुदाई की गई है, उस खुदाई में की गई मिट्टी बह के जाती ही है, जो हर साल खुदाई के बाद वो नाले से होते हुए नदी में बह के जाती है। परंतु आधी अधूरी साफ सफाई के कारण पानी नाले से होते हुए नदी में ठीक तरीके से नहीं जा पाएगा। आइए नाले को देखते हैं। यह नगर परिषद ने पिछले कार्यकाल में बनाई गई सुरक्षा बिंद है। ये जो भीत है, ये नाले के किनारे बनाई गई है। इससे इस बिंद से किस चीज़ की सुरक्षा होने वाली है या होंगी, ये तो समय ही बताएगा। पिछले साल तो इस बिंद का कोई भी उपयोग नहीं हो गया। 100 मीटर से लंबी बनी हुई ये लाखों रुपए कीमती की बिंद थी, जिसका कोई किसी ने विरोध भी नहीं किया। क्यों नहीं किया, ये तो खोज का विषय है। तो वहीं पर गाड़े घाट जोनी कमटी के मध्य में जो स्थित नाला है, उसकी सफाई ठीक से न होने के कारण जो नाले के बीच में से जाता हुआ पानी है, वो ठीक तरीके से जा नहीं रहा है। इसके एक तरफ से पानी निकल तो रहा है, दूसरी तरफ पानी बराबर जा नहीं रहा है, क्योंकि नालों के बीच में जो नीचे रखे हुए पाइलियाँ है, वो पाइलियाँ पूरी तरीके से बुझ गई है, जिसको अभी तक साफ किया गया नहीं है। और इसकी सफाई न होने के कारण पहली ही बारिश में पानी इस पुल के ऊपर से चला जाएगा। और मौसम विभाग के बताए अनुसार अगर इस साल वैसे ही बारिश होती है तो इसका पूरा खामियामा नम पिपरी वासियों को भुगतना पड़ेगा। इस पर प्रशासन ने ध्यान देना चाहिए ताकि लोग सुरक्षित रह सके। आपके सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर डालें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।